साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो माफिया से पॉलिटिशियन बने यूपी के अतीक अहमद की हत्या की आग अब पूरे देश के कई राज्यों में भी सुलगने लगी है। नफरती और मजहबी एजेंडा का फ्यूचर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। सियासत के अंदर और बाहर कई ऐसी ताकतें हैं जिनकी मंशा है कि अतीक की हत्या को शहीद बनाया जाए, यानी कि अतीक को शहीद घोषित किया जाए। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र और पटना की तस्वीरें हमने दिखाई, तो जहां एक तरफ पटना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अतीक और अशरफ के पक्ष में नारेबाजी की, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने अतीक अशरफ को शहीद तक बता दिया और योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे तक लगाए। जबकि महाराष्ट्र के बीड जिले में अतीक अशरफ को शहीद दिखाकर बैनर तक लगा दिए गए। और वहीं कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी राजकुमार सिंह रज्जू ने माफिया अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिए जाने और भारत रत्न देने की भी मांग की है। रज्जू ने माफिया की कब्र पर तिरंगा भी चढ़ाया और कहा कि मैं आपको यानी कि अतीक को भारत रत्न का सम्मान दिलाऊंगा। इस बात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने रज्जू को तो गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन ये दो अलग अलग तस्वीरें हमने आप तक दिखाई, पहुंचाई भी। महाराष्ट्र और पटना में जिस तरीके से अतीक अशरफ को कहीं ना कहीं अब जो शहीद का है वो दर्जा देने की मांग की गई है, तो वहीं इसी बीच सहारनपुर से भाजपा के विधायक राजीव गुंबर ने भी एक बड़ा बयान दिया है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। लगातार हमने आपको अतीक और अशरफ हत्याकांड से हर एक अपडेट पहुंचाई। 15 अप्रैल से जब यह हत्याकांड हुआ उसके बाद से हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, तो वहीं अब जो तस्वीरें सामने आई कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि भले ही अतीक एक विधायक था, एक सांसद था, लेकिन उसके काले कारनामे भी किसी से छिपे नहीं थे। और अब वही कुछ जो समुदाय है वो अतीक को चाह रहे हैं कि अतीक को शहीद घोषित किया जाए। क्या वाकई में अतीक को शहीद घोषित किया जाना चाहिए? ये बेहद ही बड़ा सवाल है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि अतीक का जो जुर्म की दुनिया थी, जो अतीक के जुर्म की दुनिया थी वो कितनी बड़ी थी और वो कितनी गंदी दुनिया थी, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि अतीक अहमद वही नाम है जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज थे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से अतीक के लिए लोग नारेबाजी कर रहे हैं वो सही है या नहीं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा से विवेक श्रीवास्तव जुड़े हैं, नितेंद्र यादव सपा से जुड़े हैं और वही दिलीप यशवर्धन जो कि राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पहले तो मैं आप तीनों का प्राइम टीवी पे बहुत स्वागत करती हूं। अतीक अहमद वही नाम था विवेक जी जो एक माफिया था, भले ही वो विधायक और सांसद रहा हो, लेकिन उसकी जुर्म की दुनिया कितनी गंदी थी और कितनी बड़ी थी ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में अतीक को जो शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है वो कहां तक सही है और कहां तक गलत? देखिए मुस्कान जी, अतीक एक अपराधी था जी, अपराध का उसका एक लंबा इतिहास रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी, पहला कत्ल उसने 1987 में किया था जी। 87 से आज इतना समय बीतते बीतते उसका अंत हो पाया, ठीक है। इतना लंबा समय उसने अपराध को जिया है, अपराधी जीवन को जिया है, और उससे प्रयागराज जो आज पास के लोग हमेशा भयाक्रांत रहे हैं। अपराधी का अंत हुआ, प्रयागराज के लोगों ने राहत की सांस ली, किसी को किंतु परंतु उसकी हत्या पर हो सकता है, उसके लिए न्यायिक आयोग का गठन हो गया है,
न्यायिक आयोग अपने जांच कर रहा है, आगे जो भी चीजें उसमें होंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है विवेक जी, ठीक है मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन नितेंद्र जी अभी हमने एक बयान सुनाया जहां सहारनपुर से भाजपा के विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि जैसे हमने अतीक को ऊपर पहुंचाया है और अशरफ को भी ऊपर पहुंचाया है, वैसे ही सहारनपुर में भी गुंडा राज खत्म किया जाएगा। और जबकि जो देश भर के कई शहर ऐसे हैं जहां पर अतीक अहमद जिंदा है के नारे लगे, तो जहां भाजपा एक तरफ कह रही है कि SIT का गठन किया जा रहा है, जाँच की जा रही है, तो वही जो एक विधायक है वो ये कह रहे हैं वो पूरा जो श्रेय है अतीक अशरफ के मरने का वो खुद के ऊपर ले रहे हैं। सही है कि अतीक एक अपराधी छवि का व्यक्ति था जी। उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे थे और 2012 से लेकर 17 के बीच में समाजवादी सरकार ने उसके घुटने टिका दिए थे और 17 लाख तक उसको समाजवादी पार्टी ने जेल भेज दिया था। 6 साल तक वो जेल रहा, जेल के अंदर से वो चाहे साबरमती की जेल रही हो, चाहे देवरिया की जेल रही हो, चाहे वो बलिया में रहा हो, चाहे नैनी में रहा हो, बरेली में रहा हो, चाहे नैनी में रहा हो, वहां से उसने जिस तरीके से गैंग संचालन किया और उमेश पाल की हत्या की, जैसा कि जांच का विषय बताया जा रहा है और उस पर पुलिस ने कहा कि उसका हाथ था, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब बात में ये कह रहा हूँ कि देखिए, कोई उसको शहीद की दर्जा देने की बात कर रहा है, कोई उसको उसकी हत्या का श्रेय लेना चाह रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रवक्ता, तो कल भी मैं आप ही के चैनल में बैठा था तो आपकी चैनल के बहन में ही एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रहे थे कि निमित्त कोई रहा हो, हत्या भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी ने की है। अब बताइए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि अब जुडिशियल सिस्टम समाप्त, अब न्यायिक व्यवस्था समाप्त, कानून का राज समाप्त, किसी के ऊपर चाहे FIR हो उसको कोई भी अपराधी आकर के मार दे आकर के, और फिर ये कह दिया जाएगा ये उसके कर्मों की सजा है और मारने वाले को आप देवदूत बना देंगे, इस बात की तो निंदा होनी चाहिए। हाँ, अपराधी कोई हो उसको सजा मिलनी चाहिए, इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अगर कोई एक सधीरा उसको शहीद का दर्जा देने की बात कर दे, जिसके ऊपर मोहल्ले का कुत्ता भी भौंकने को तैयार ना हो, उस व्यक्ति के बयान को राष्ट्रीय स्तर की चर्चा का विषय बनाया जाए, मुझे लगता है ये भी एक अच्छी बात नहीं है। इन ऐसी बातों की तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए कि कोई एक मोहल्ले स्तर का सभासद का प्रत्याशी, सभासद भी ना रहा हो, कभी एक सभासद का आवेदक हो या वो टिकट मांग रहा हो किसी पार्टी से सभासद की, और वो अपनी लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा बयान दे दे और उस पर हम लोग चर्चा करें, मुझे लगता है इससे ज्यादा और छोटी बात नहीं हो सकती। मैं ऐसी बात पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। ठीक है दिलीप जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। ठीक है जी, नितेंद्र जी मैं वापस आऊंगी, लेकिन मेरा सवाल दिलीप जी से है। दिलीप जी, हमने अक्सर देखा है कि आज भी हमारे देश की जो राजनीति है वो धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती है, और कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो राजनीति की धुरी बना हुआ है। ऐसे में अब तमाम प्रदेश ऐसे है जहाँ पर अतीक और अशरफ को शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है। मुस्कान जी, राजनीति धर्म के इर्द गिर्द घूमती है दूसरा विषय है, लेकिन ये जो विषय जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाए, उसको नोबल पुरस्कार दिया जाए, उसको देश रत्न दिया जाए, ये मांगने वाले मुझे लगता है कि मानसिक रूप से थोड़े कमजोर लोग हैं। देखिए, अतीक के मरने के तरीके का समर्थन मैं भी नहीं कर रहा हूँ और मैंने किसी डिबेट में नहीं किया कि अतीक को सही तरीके से मारा गया, उसको मारने का तरीका गलत था, गैरकानूनी था, इस पर सरकार को संज्ञान लेकर के कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति आपराधिक छवि का था, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग उसके सताए हुए हैं, कितने लोगों की उन्होंने जमीनें कब्जा करी, कितने बच्चों को यतीम बनाया है, कितने लोगों को विधवा बनाया है, उस व्यक्ति के मरने पर अगर कोई ये कहता है कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, तो फिर जो लोग देश के लिए शहीद होते हैं, जो लोग समाज की सेवा करते करते शहीद होते हैं, उनको क्या दर्जा किया जाना चाहिए? बिल्कुल दिलीप जी, लेकिन ये जो मांग है ये भी कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक सोसाइटी द्वारा ही की जा रही है, पूरा समाज ये नहीं कह रहा। ये मांग प्रायोजित है और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज का जो सच्चा मुस्लिम होगा वो कोई भी मुस्लिम इस बात की मांग नहीं उठाएगा कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये जो लोग मुस्लिम के नाम पर ये कर रहे हैं वो मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रायोजित लोग ये अपनी तरफ से मांग नहीं कर रहे हैं, इनको प्रेरणा दी जा रही है, वो प्रेरणा किसी प्रलोभन के रूप में हो, थ्रेड के रूप में हो, जिस भी रूप में हो,
लेकिन ये प्रलोभन है कि आप इस तरह की मांग समाज में उठाइए, समाज में न्यूसेंस क्रिएट करिए, और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह की जो मांग है वो और लोगों को ऐसा माफिया बनने के लिए प्रेरित करेगा। तो वो समाज में एक तरीके से दुष्प्रवृत्ति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मानसिक विकलांगता मैं इसको कहूंगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है विवेक जी, यूपी में भले ही ये हत्याकांड हुआ हो लेकिन अब इसकी गूंज जो है वो विदेशों तक सुनाई दे रही है। अल जजीरा के अखबारों के हेडलाइंस हमने देखी और वहीं रॉयटर्स की भी हेडलाइंस हमने देखी आतिक अशरफ हत्याकांड को लेकर। तो क्या ये यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं है? देखिए मुस्कान जी, यूपी की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। किस तरीके से विवेक जी? जिस तरह से अपराधियों का सफाया हो रहा है और अपराध मुक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश। अब आपने जिन तबकों की बात की, जिन चैनलों की बात की, वो सब एक ही विचारधारा कह लीजिए या एक ही धारा की वित्त पोषित चीजें हैं जिनका जिक्र आप कर रही है। विवेक जी, अब यहाँ मैं आपको बताऊं कि जिन अखबारों का मैं जिक्र कर रही हूँ ना, ये सभी वैश्विक चैनल्स हैं और अखबार हैं। तो ये किसी एक विचारधारा पे और एक माइंडसेट पर नहीं चल सकते, क्योंकि ये भारत की विपक्षी पार्टियां नहीं है जिन पर आप अक्सर इल्जाम लगाते हैं कि ये सभी का माइंडसेट एक है। अल जजीरा जैसे चैनलों का जो नाम आप ले रही है जी, अल जजीरा जैसे चैनलों की क्या पृष्ठभूमि है और तमाम मौकों पर अल जजीरा किस तरह की खबरें दिखाता है, ठीक है, सबको मालूम है। और अल जजीरा जैसे चैनलों को यहाँ देश में कोई गंभीरता से हमारे नहीं लेता, वैश्विक हो कहीं के हो, बहुत से एनजीओ चल रहे हैं जिनके वैश्विक वर्क को देख, यहाँ पे तमाम विपक्षी पार्टियां कोट करती है, कोई हैप्पीनेस इंडेक्स लेके चला आता है, कोई कुछ लेके चला आता है, उन चीजों से इस देश के लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देश अपने बूते पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और जिस तरह से कूड़ा करकट उत्तर प्रदेश में साफ हो रहा है उससे सब लोग राहत की सांस ले रहे हैं। तरीके गलत हुए उस पर कानून का काम करेगा और कर रहा है, न्यायिक आयोग का गठन हो चुका है, ठीक है, जिन लोगों ने उसको अंजाम दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, कौन इसके पीछे है, ये सब देखना न्यायिक आयोग के सदस्यों का कार्य है। हमारा कार्य ये है कि हम उस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं जिस हवा से ऐसे लोग हटा दिए। ठीक है विवेक जी, हम खुली हवा में सांस तो ले पा रहे हैं, क्या हम खुली हवा में सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? नितेंद्र जी, विवेक जी द्वारा कहा गया कि यूपी में कानून का राज कायम है और हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, कितने सहमत हैं आप इस बात से? सुल्तान जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये लखनऊ की घटना है, ये मैं दिखा दूं किस तरीके से ये आए स्कूटी वाले और ये महिला का पर्स छीन करके आगरा में, लखनऊ की ताजी घटना है, ठीक है, एक बहुत सारे चैनलों में दिखाई जा रही है। अभी जालौन के अंदर सरे राह छात्रा का किस तरीके से छात्रा की हत्या की जाती है ये किसी से छुपा नहीं है। हेमंत की किस तरीके से बलिया के अंदर मुख्यमंत्री जी के समाज के गुंडों ने उसकी हत्या कर दी, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चला, ये किसी से छुपा नहीं है। एक नहीं हजारों घटनाएं प्रदेश में डेली अखबारों में छप रही है, लेकिन विवेक जी बोल देंगे कि उत्तर प्रदेश से गुंडा समाप्त हो गया। ये जो 64 माफियाओं की सूची जारी की जा रही है, ये 6 साल से योगी जी का ही राज्य है। योगी जी भाषण में कहते थे कोई गुंडे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या जेलों में चले गए, तो ये 64 की सूची जो बहुत कम है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग नहीं है जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, 88 मुकदमे वाले जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं उनका नाम नहीं है इसमें, पूर्वांचल के तमाम माफिया, और ये कहाँ के वो माफिया हैं जिनके नाम आपने 64 नामों की सूची जारी कर रहे हो, ये कोई साधु संत हैं? और ये जो हत्याएं हो रही दिन दहाड़े ये कौन लोग हैं? और एक बात विवेक जी कह रहे हैं, आप जिस अखबार का नाम ले रहे हैं, जिस चैनल का नाम ले रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये कैसे कैसे अखबार। अरे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि गोदी मीडिया के चंद चैनलों को छोड़कर जो भी समाज का सच उजागर करेगा वो सब
देशद्रोही चैनल, देशद्रोही अखबार, देशद्रोही पत्रकार कहलाते हैं। विपक्ष की जो भी पार्टी सच उजागर करने की बात करेगी, ये सबको राष्ट्रद्रोही देशद्रोही बता देते हैं, क्योंकि ये खुद में पुराने राष्ट्रद्रोही हैं, पुराने देशद्रोही हैं। इनकी आजादी के आंदोलनों में कोई भागीदारी नहीं रही, ये अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं। और आज जब कोई भी सच बोलता है तो ये उसको इतनी तेजी से देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही बता करके उसकी बात को खारिज करना चाहते हैं। मैंने बराबर इस बात को कहा कि अपराधी अपराधी है, लेकिन उसका जब भी आप वर्गीकरण करोगे, जब भी उसको समाज में विभाजित करोगे, जब को उसको जाति मत पंथ संप्रदाय विभाजित करोगे, तो वो समाज के लिए बदनुमा दाग होगा। और कभी आपको मारेगा तो कभी वो पड़ोसी को मारेगा, कभी वो स्वयं पालने वाले को भी मारेगा। ये अतीक से उदाहरण लेना चाहिए कि अतीक चांद बाबा का एक गुर्गा था और सबसे पहले पावर में आने के बाद उसने चांद बाबा को मारा था। आज भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को उकसा रही है, भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को पाल रही है और जिनसे सरेराह हत्या करवा रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं हो कि कल चल के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर हावी हो और उनसे भी इसी तरीके की उनके साथ घटनाएं। आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि अतीक को भले ही आपकी पार्टी ने सांसद बनाया, लेकिन बाद में आने वाले समय में अतीक आप पे भारी पड़ गए। नहीं कतई नहीं, बताइए मैं आपको बताऊं। अब मुस्कान जी एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। 2012 के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, 2012 में जो बाहुबली कहलाते थे, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे डीपी यादव हो, समाजवादी पार्टी ने इनको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया, पार्टी में नहीं आने दिया। और 2012 से लेकर 17 तक जब तक माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, इनकी हैसियत में वही घुटने टिका दिए। और 17 में फरवरी में जब समाजवादी सरकार थी, अतीक को जेल भेजा था, भारतीय जनता पार्टी क्यों अपनी पीठ थपथपा रही? ठीक है नितेश जी, मैं वापस आपके पास आऊंगे। दिलीप जी, जिस तरीके से अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि अल जजीरा और रॉयटर्स जैसे अखबार या चैनल्स जो भी खबरें छापते हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ता, तो क्या वाकई वैश्विक स्तर पर इसका असर नहीं पड़ता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, असर पड़ता है। और ये बड़े चैनल्स हैं, ये अलग बात है कि ये मुस्लिम कंट्रीज के चैनल हैं, मुस्लिम समर्थित बात को छापते हैं, लेकिन किसी भी कारण से अगर हमारे देश की कोई न्यूज़ इंटरनेशनल फोरम पर आती है तो उसका फर्क पड़ता है, चाहे वो हमारे देश की छवि खराब कराए, चाहे हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को कहे। और ये अखबार अगर छाप रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे समर्थन में नहीं छाप रहे, हमारे खिलाफ छाप रहे हैं, और वो हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को गलत बताते हुए न्यूज दिखा रहे हैं, तो हम कहाँ तक किस को सिद्ध करेंगे कि हम सही हैं? तो ये जरूर है कि वैसे भले कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन आज की डेट में आप इंटरनेशनल रिलेशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत अच्छा बना दिया है, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा पहुंचा दिया है, ये सत्य भी है। तो अगर उसमें कहीं कोई नेगेटिव न्यूज जाएगी तो वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करेगी। और ये इंटरनेशनल फेम के अखबार हैं, इनको आप कोई लोकल अखबार से तुलना नहीं कर सकते हैं, और ये नहीं कह सकते हैं कि इनमें छपने वाली खबरों का फर्क नहीं पड़ता है। भले किसी कंट्री में ना पड़े, लेकिन जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं उनमें कम से कम ये छवि जरूर जाएगी कि भारत में मुस्लिम विरोधी काम हो रहा है। ठीक है दिलीप जी, मेरा एक और सवाल आपसे है कि अतीक अशरफ हत्याकांड वाकई एक बेहद ही गलत हत्याकांड था, क्योंकि जिस तरीके से दोनों भाइयों को मारा गया, माफिया ब्रदर्स को, ये बेहद ही गलत था। लेकिन जिस तरीके से अब इनको शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि कहीं जो मजहबी एजेंडा है उसको धार देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मजहबी एजेंडा कुछ नहीं है। मजहबी एजेंडा तब होता जब पूरा मुस्लिम समुदाय एक तरफ से इस बात की मांग करता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये मजहबी एजेंडा नहीं है। हाँ, ये राजनीतिक एजेंडा जरूर हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए ये कोशिश जरूर हो सकती है, और धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए, ये जताने के लिए कि ये लोग, मतलब लोगों के सामने ये छवि जाए कि अतीक अहमद मुस्लिम था इसलिए उसको समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मार दिया, वो अपराधी था, इस बात को नहीं कहा जाएगा। जबकि सत्यता ये है कि वो अपराधी पहले था, मुसलमान बाद में था। बहुत सारे ऐसे मुसलमान परिवार हैं जो उसके सताए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान परिवार हैं जो आज अतीक के मर जाने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, बहुत सारे उसके साड़ू, अतीक के साड़ू ने ही अतीक के खिलाफ FIR कराने की बात कही थी, तो वो तो मुसलमान थे। तो ऐसा नहीं है, ये धर्म को प्रेरित देने वाली बात नहीं है, ये राजनीति को और धार्मिक उन्माद को या धार्मिक जो समरसता है उसको खराब करने के लिए ये कार्यवाही जरूर करी जा रही है। ठीक है विवेक जी,
निकाय चुनाव काफी नजदीक थे और जब अतीक का मर्डर हुआ या यूं कहें कि जब हत्याकांड हुआ तो पूरे प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू थी। ऐसे में अतीक को मार दिया जाता है तो क्या ये सरकार पर सवाल ना होगा बड़ा? देखिए, बहुत बड़ा अपराधी जिसके ऊपर 101 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, उसके खुद के अपने पाप इतने ज्यादा है, इधर वो अपराधियों की द्वारा मारा जा रहा है, इस पर सरकार कहाँ से आ जाती है? सरकार उसको पूछताछ के लिए ले आई थी, मेडिकल कराने ले जा रही थी, दौरान अपराधियों के हमले में वो मारा गया, अपराधी पकड़े गए, उनसे पूछताछ हो रही है, उनके पीछे कौन है, क्या है सोर्सेज, सारी चीजें पूछताछ में निकल के आ जाएंगी। ठीक है विवेक जी, लेकिन पूरे प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और अतीक अशरफ जो पुलिस के कस्टडी में है, पुलिस के घेरे में है और अतीक की हत्या हो जाती है तो क्या ये बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि पूरे प्रदेश में लागू थी कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता? जी आचार संहिता अलग विषय है, अपराधी सर आचार संहिता में जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है, निकाय चुनाव से पहले ये आचार संहिता लागू की गई थी। तो बिल्कुल रहती है, तो अपराधी को रखा तो रही थी पुलिस, अब उसकी प्रेजेंस में अगर फायरिंग हो गई उसमें बढ़ गया तो क्या करेगी पुलिस? यानी कि ये यूपी पुलिस की गलती नहीं है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि यूपी पुलिस की गलती है ही नहीं? नहीं बिल्कुल, उनकी उपस्थिति में मारा गया है, प्रथम दृष्टया इसीलिए उनको सस्पेंड किया गया है, आगे जांच होने दीजिए गलती है कि नहीं ये जांच के बाद स्पष्ट होगा, प्रथम दृष्टया जो सरकार कर सकती थी सरकार ने वो कार्रवाई कर दिया, उसकी खुद के इतने पाप ज्यादा है कि अगर उसको कोई मारने आ रहा है और या कोई उसको ऊपर हमला कर रहा है उसमें मारा गया वो। ठीक है, यानी कि अब हम भूल जाए कि हमारे देश में न्याय प्रणाली नाम की भी कोई चीज है क्योंकि अगर अपराधी बहुत ज्यादा है तो अपराध जो अपराधी है वो आपस में ही बदला ले ले। नितेंद्र जी सहमत है? कि ये इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान मैं समझता नहीं, हालांकि विवेक जी अच्छे प्रवक्ता थे लेकिन इनसे मुंह से इस तरीके गैर जिम्मेदारा बयान की कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी कि कोई व्यक्ति मारा जाता है तो ये उसके पाप थे। अगर ये पाप थे तब तो फिर मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ी बड़ी देश में घटनाएं हुई हैं, देश के तमाम प्रधानमंत्री, तमाम बड़े राजनेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री शिवली थाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मार दिए गए, तब तो फिर ये बात होगी कि वो भी उनके पाप थे। ये तो बहुत गैर जिम्मेदारा कानून का राज समाप्त होने की। और एक बात मैं आपसे मुस्कान जी कहना चाहता हूँ कि 28 तारीख को 28 मार्च को अशरफ जेल से जब आ रहा है और पुलिस वैन में है, पत्रकारों के सवाल के जवाब में वो खुलेआम कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने मुझे ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम दोनों को किसी बहाने से बुलवाऊंगा जेल के बाहर और तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। और ठीक 2 हफ्ते बाद उसकी हत्या होती है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो अपराधी दुश्मनी में निश्चित रूप से उसकी हत्या पुलिस ने करवाई है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए, इससे बचा नहीं जा सकता है। ये सरकार का गैर जिम्मेदारा बयान है। ठीक है विवेक जी, हमने देखा कि जो देश भर के तमाम प्रदेश है वहां से कोई लगा रहा है नारे कि अतीक अशरफ जिंदाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, तो कहीं अतीक अशरफ के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं ताकि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए, तो क्या ये एक राजनीति का हिस्सा माना जाए और किसके द्वारा ये सब जो पोस्टर्स है, जो ये नारेबाजी है, ये करवाई जा रही है? ये गुमराह लोग हैं, अतीक अहमद के रास्ते में उनको मंजिल नजर आती है, बेहतर हो यूपी में आकर के यही पोस्टर और नारा लगाए, उनको भी अतीक अहमद के पास पहुंच जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, जो अतीक अहमद के रास्ते पर चलेगा उसका परिणाम इसी तरह से होगा। किस तरीके से कि कोर्ट के बाहर मार दिया जाए, इस तरीके से आप सजा देंगे? हम नहीं सजा देते हैं, सजा व्यक्ति के खुद कर्म उसके व्यवस्था कर देते हैं, देवदूत देंगे सजा तो अदालत दे ही रही थी। ये जो सजा देने वाले मठों में बैठे संत हैं वो देवदूत हैं, वो आएंगे अपराधियों के साथ, बढ़िया
पिस्टले लेकर आएंगे जो वहाँ मंदिरों मठों में प्रसाद में चढ़ाई जाती हैं और आएंगे और सीधे सीधे के सजा साथ दे करके चले जाएंगे जय श्री राम का नारा लगाते हुए। और ना उस पे अपराधियों के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं रहती। अरे अपराधियों से तुम्हारी रिश्तेदारी है, पुलिस से कहलवाते हो, 2 हफ्ते में मार देंगे और इसके बाद में मार देते हो, कानून का राज बचाएंगे, जुडिशियल सिस्टम को फेल कर दिया। हर अपराधी इसी तरह के चक्रव्यूह रचता है, ये सब कोई नई बात नहीं है। अपराधी अगर मारा जा रहा है, कूड़ा करकट साफ हो रहा है, तो इसमें स्यापा करने की जरूरत नहीं है, उसका सामना करिए। इसीलिए वो अपराधी सदन में रोते थे कि मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, मुझे बचा लीजिए। स्पीकर महोदय मुझे बताइए, मैं सदन का सदस्य हूं कि नहीं हूं, मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, ये कूड़ा करकट साफ हो जाता अगर उस समय, तो आज देश में हालात नहीं होते। जनता ने राहत की सांस ली है, जिसको दर्द हो रहा हो स्यापा करे। ठीक है, ठीक है, मैं वापस ही आप दोनों के पास आऊंगी। ठीक है नितेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। लेकिन दिलीप जी, जिस तरीके से इस मामले पर राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये माहौल बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे? क्या ऐसे बयान दिए जाना जरूरी है? क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी पहुंच चुका है, जिसको लेकर यूपी सरकार की बुराई हर तरफ हो रही है। बयानबाजियां तो देखिए यहाँ जरा जरा सी बातों पर हो जाती हैं। अतीक अहमद का मर्डर तो बहुत बड़ी चीज है, इस पर तो बयानबाजियां होनी थी, और जिस तरीके से हुआ है उस तरीके पर तो सवाल उठने जरूरी है, लाजमी है, और होंगे ही होंगे। वो राजनीतिक पार्टियां भी उठाएंगी, समाज में लोग भी उठाएंगे, जो बायस नहीं है किसी पार्टी से, वो लोग इस बात को पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर ये न्यूज वैश्विक न्यूज बन रही है, तो खैर न्यूज का वैश्विक बन जाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक 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 दूषित भावना से प्रेरित होकर के न्यूज बन जाना महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि जो लोग अपराधी के समर्थन में आकर के देशरत्न देने की बात कर रहे हैं या उसको शहीद घोषित करने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें इस देश की लोग मतलब देश की इमेज से प्यार नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से प्रेरित किए जा रहे हैं, किसी भी प्रलोभन के द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं, जिन्हें ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा सोच करके वो आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं सरकार की छवि भाजपा के फेवर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की इन जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक अपराधी को इस तरीके से महिमा मंडित करेंगे, तो जो भी व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का होगा, उसके मन में ये भावना है कि उसको ये प्रेरणा मिलेगी कि अगर मैं भी बड़ा अपराधी बन जाऊंगा तो मुझे भी कल को समाज से इसी तरीके से समर्थन मिलेगा, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है नितेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। विवेक जी ने अभी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो भी अतीक के समर्थन में उतरेगा उसका भी वही हश्र होगा जो अतीक का हुआ था। तो क्या माना जाए कि भाजपा को न्याय प्रणाली पर ही भरोसा नहीं है? निश्चित रूप से मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी ने जुडिशियल सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया है। और अभी हमारे साथी स्पर्धन जी बढ़िया बात कह रहे थे कि जो भी इस तरीके के लोगों को बढ़ावा देगा उसका परिणाम यही होगा। देखिए, जो भी हत्यारों को देवदूत बनाएगा, जो भी हत्यारों को देवदूत बनाएगा, उसका परिणाम भी वो हत्यारे इसी तरीके से करेंगे। आज अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चंद रुपयों के लालच में किसी व्यक्ति ने, मास्टरमाइंड ने एक इतने बड़े सिस्टम को फेल कर दिया है, तो अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। किसी भी नेता को भी इसी इतनी बड़ी सुरक्षा में अपराधी आएगा और मार के चला जाएगा, सिर्फ इसलिए उसका बड़ा नाम हो जाएगा। जिस तरीके से उन अपराधियों ने, 3 लड़कों ने यह बयान दिया है कि हम उसको मार करके बड़े अपराधी या बड़ा नाम कमाना चाहते थे, इस तरीके की परंपरा को अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले देवदूत बना के समर्थन देंगे, तो कल को कोई भी सर फिर आएगा किसी बड़े नेता को, मंत्री को, किसी बड़े संत को, विधि विधायक को, आएगा मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, और आएगा और मार के चला जाएगा, बोलेगा मैं तो अपना नाम कमाना चाहता था, ऐसी परंपरा को समर्थन करने वालों पर थू करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस परंपरा को बढ़ावा देते, थू करता हूँ इनके ऐसे मुंह पर। कितने गंदी सोच के लोग हैं। अपराधियों को इस तरीके से देवदूत बनाओगे तो निश्चित रूप से आने वाला हश्र भी उसी, जो अपराधी को पालता है अपराधी उसी को समाप्त करता है। भारतीय जनता पार्टी 3 हत्यारों को देवदूत बना रही है, निश्चित रूप से यही 3 हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम लोगों को जो देवदूत बना रहे, इन्हीं में से किसी को खत्म करने का काम करेगा। ठीक है विवेक जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए मुस्कान जी,
मैं नृपेन जी का दर्द समझ पा रहा हूँ। उन्हें पीड़ा बहुत ज़्यादा आती थी अहमद की मौत की, और जिस तरह से मारा गया, जिन लोगों ने मारा उस पर आगे कानून अपना काम कर रहा है। हमें अतीक अहमद के मारे जाने की कोई पीड़ा नहीं है। बतौर प्रयागराज निवासी मेरा स्पष्ट मानना है कि उसके खत्म होने से प्रयागराज की जनता ने राहत की सांस ली। ऐसे व्यक्ति के लिए कानून की दुहाई देना अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है, जो खुद कानून को ठेके पर रखता हो। अरे तो हत्यारों को ज्यादा बताओगे? जिसका मुकदमा सुनने से इनकार कर चुके हो, जो न्यायालय के बाहर ही अपने मुकदमों का फैसला करा लेता हो, उठा लाता हो, हलफनामा लगवा देता हो, अपहरण कर लेता हो, गवाही देने से पहले मार डालता हो, उस व्यक्ति के मौत पे इतना दुखी है दीपेन जी, इनका दुख इन्हें मुबारक हो, बरकरार रहे। हमारी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि ऐसे लोग, ऐसे अपराधी खत्म होते रहे, ऐसे दुख में डूबे जार जार रोते रहे। और फिलहाल हम तो पूरा करकट साफ होने का स्वागत कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है विवेक जी, यहाँ बात दुखी और सुकून या राहत महसूस करने की बात नहीं है, ये तो आप सीधा तौर पर कह रहे हैं कि हमारी जो न्याय प्रणाली है वही खराब है या वही गड़बड़ है, क्योंकि हत्यारों को तो फिर ऐसी ही सजा मिलेगी, तो फिर क्या फायदा सर सुप्रीम कोर्ट और न्याय? मैंने ये नहीं, आपने बोला कि आपने, आपका ये स्टेटमेंट था कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बिल्कुल भरेगा, जब आप अपराध का साम्राज्य खड़ा करेंगे तो आपको दंड, आप सर फिर दंड देना काम किसका है? ठीक है मैं मानती हूँ, फिर आप बताइए दंड देना काम किसका है, दंड कौन देगा? अगर कोई अपराधी है तो उसे दंड कौन देगा? न्यायपालिका नहीं दे पाएगी तो ईश्वर देगा। लवलेशानंद महाराज, तनिष्वरानंद जी, अरुण गिरी जी महाराज, ये तमाम देवदूत आएंगे और तन जो योगी जी के आश्रमों में पलते हैं, आप दुनिया के देवदूत आएंगे आश्रम से निकल करके ऊपर वाले का अदालत से वापस चले जाएंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे। और इसी के प्रतिक्रिया में दूसरे देवदूत उतरेंगे तो अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे और दूसरे समाज को मारेंगे, और इस तरीके समाज में अव्यवस्था व्याप्त होगी, भारतीय जनता पार्टी उसी के पटाखे फोड़ेगी। ये चूंकि अमन चैन के विरोधी हैं, ये कभी नहीं चाहते प्रदेश में अमन चैन शांति हो, ये दंगाई लोग हैं और आज ये दो माहौल बनाना चाहते हैं कि एक तरफ कोई जय श्री राम का नारा लगाए और मार दे, दूसरी तरफ कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाए किसी को मार दे और समाज में इसका अमन चैन समाप्त हो जाए। ठीक है दिलीप जी, अभी आपने विवेक जी का बयान सुना, ठीक है नितिन जी वापस आओगे, दिलीप जी अभी आपने बयान सुना कि जो प्रवक्ता है भाजपा के विवेक जी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने बोला कि जो अपराध करेगा उसका यही हश्र होगा, क्या वाकई में ये माना जाए कि फिर अपराध करने वाले को खुलेआम गोली मार दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है? नहीं, मैं विवेक जी के बयान का समर्थन नहीं करता हूं और विवेक जी एक तरीके से सरकार की बदनामी करा रहे हैं ये कहकर के अपराधी का मारा जाना ठीक है, अपराधी के मारे जाने का समर्थन मैं भी करता हूं, मैं कहता हूं कि अपराधियों को समाज में नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका मारा जाना इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये हम इस समय लॉ ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए हम जो काम करेंगे वो लॉ के अंदर करेंगे। लॉ अगर गैर कानूनी रूप से कोई व्यक्ति काम करता है उसको माफिया कहते हैं, तो अगर सिस्टम भी गैर कानूनी रूप से करेगा तो हम सिस्टम को भी माफिया ही कहेंगे ना, फिर उसको हम सिस्टम कहाँ कहेंगे? बिल्कुल, सिस्टम तो वो होता है जो सिस्टम तरीके से चले, कानूनी रूप से चले, और सरकार सिस्टम होती है, वो कानूनी तरीके से चलती है। इसलिए अपराधी का मारा जाना चाहिए, अपराधी का समाज में इस तरीके से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो कानूनी रूप से मारा जाना चाहिए, उसको कानून कोर्ट सजा दे देती, या वो आपसी गैंग वॉर में मर जाता, दो माफिया आपस में लड़ते, एक माफिया दूसरे माफिया को मार देता, तो भी आपसे कोई सवाल नहीं खड़ा होता। बिल्कुल, उसको अदालत फांसी की सजा दे देती, उसमें कोई सवाल नहीं खड़ा होता, वो एनकाउंटर में मार दिया गया होता तो भी शायद सवाल नहीं खड़े होते। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो पुलिस की कस्टडी में मारा गया है तो सवाल खड़े होते हैं, और सवाल प्रत्यक्ष है, इसमें सवाल खड़े होने का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल प्रत्यक्ष खड़े हैं, स्वतः खड़े हैं कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है दिलीप जी, अभी आपने बयान सुना, आपने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन जब ये अतीक और अशरफ हत्याकांड हुआ तो उसके बाद जो तमाम पार्टी के नेता है, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो AIMIM के अध्यक्ष हो असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका भी बयान हमने सुना,
तो जिस तरीके से वो हिंदू और मुसलमान को बांटने का प्रयास कर रहे इस मुद्दे के जरिए, क्योंकि आप राजनीति के हर दांव पेच समझते हैं, तो वो कहां तक सही है? क्या चुनाव देश में सुरक्षा से ज्यादा जरूरी हो गया है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो ओबीसी की पार्टी हो, चाहे एक्स वाई जेड इस देश की कोई पार्टी हो, जी अगर वो पार्टियां इस मौके का राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही हैं और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की बात कर रही हैं, तो वो राजनीतिक फायदा उठाना उनका स्वतः लाभ की बात हो रही है, समाज के लाभ की बात नहीं हो रही। बिल्कुल, अगर समाज के लाभ की बात होगी तो वो कानूनी और गैर कानूनी तरीके पे बात करेंगे, वो हिंदू और मुसलमान पर बात नहीं करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मुस्लिम मारा गया, वो ये कहें कि अपराधी मारा गया लेकिन गैर कानूनी तरीके से मारा गया, तो मैं उनकी बात का समर्थन करूंगा। अगर वो इस बात पे जोर देते हैं कि मुस्लिम मारा गया, तो मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं। ठीक है दिलीप जी, मेरा एक सवाल आपसे और है कि सभी पार्टियां जो है वो राजनीति अपने अपने तरीके से करती है और अपने अपने हिसाब से वो वोटर्स को लुभाने की भी कोशिश करती है, लेकिन जिस तरीके से अतीक के अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो वो विधायक भी रहा, सांसद भी रहा और माफिया भी रहा, तो ये कहा जाए कि जो माफिया है कहीं ना कहीं उनको संरक्षण देने वाले भी राजनीतिक पार्टियां ही होती हैं, तभी उनके हौसले बुलंद होते हैं। माफिया बनता कैसे है? माफिया तो कोई हो ही नहीं सकता जब तक प्रशासन का और पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में कोई इतना बाहुबली नहीं है जो कानून और सिस्टम से ऊपर हो। बिल्कुल, सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो किसी को नहीं उठने देगी। हाँ? लेकिन जब कोई उठ रहा है, कोई माफिया अगर इस देश में अपना सर ऊंचा कर रहा है, तो ये निश्चित है कि इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक और सरकारी प्रेरणा सुरक्षा मिली हुई है, सपोर्ट मिला हुआ है, तभी ऐसा होता है, वरना इस देश में ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है नितेन जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी कि कोई भी बड़ा माफिया तब बनता है जब उसे किसी राजनीतिक पार्टी का साथ मिलता है, तो सपा ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है फिर ये माना जाए, क्योंकि जो संसद तक पहुंचाने वाले भी अतीक को आप ही थे। मुस्कान जी, निश्चित रूप से मैं इस बात से आपसे थोड़ा अपने आप को अलग करूंगा कि 1989 में अतीक पहली बार विधायक बन के आए, आओ निर्दलीय विधायक, निर्दलीय, लेकिन संसद तक पहुंचाने वाली तो आपकी पार्टी थी नितेंद्र जी, केंद्र तक पहुंचाने वाली तो आपकी पार्टी थी ना। जो 5 बार विधायक हो जाएगा निश्चित रूप से वो माननीय हो गया, और माननीय हो गया तो अगर गठबंधन में हमने किसी को कोई सीट दी और उसने अगर अतीक को टिकट दी, अपना दल के गठबंधन से हमारे कमेरावादी जो आप कृष्णा पटेल है, उस समय ये टिकट उनको दी गई थी, उन्होंने अपने कोटे से वो टिकट अतीक को दी थी। अब कितने में दी थी ये अनुप्रिया पटेल जी से पूछिएगा। अनुप्रिया पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बैठी केंद्रीय में मंत्री हैं, ये अनुप्रिया पटेल से पूछिएगा कि अनुप्रिया पटेल को ये टिकट मिली थी और अनुप्रिया पटेल ने कितने रुपए लेकर के अतीक अहमद को टिकट दे दी थी। अब उस तर्ज में नहीं जाना चाहता हूं। ये बात लेकिन आपकी सही है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई व्यक्ति चाहे उद्योगपति बने और चाहे वो अपराधी बने नहीं बनता है। इसका उदाहरण मैं दूंगा, विवेक जी इलाहाबाद से बैठे हैं, इनके इलाहाबाद में एक व्यक्ति है अमित गोयल, जो कुछ साल पहले साइकिल में अंडरगार्मेंट बेचता था, आज इलाहाबाद का सबसे बड़ा बिल्डर है, वो जो उसके पास पैसा है और योगी जी के बगल में उसकी फोटो है और योगी जी के मठों में जाके रहता है, पूछिए वो किस कौन सा बिल्डर बना, संजीव अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, ये बड़े बिल्डर इलाहाबाद के सब तरह कहते हैं, फख्र महसूस कर रहे हैं इलाहाबाद होने के नाते, उसके ये बिल्डर कैसे बन गए जो कल तक साइकिल पे अंडर गार्मेंट बेचते थे, चड्डी बनियान बेचने वाले साइकिल पर आज इतने बड़े बिल्डर बने हैं और योगी जी के साथ भुक्के लेकर खड़े हैं, ये बिना संरक्षण के नहीं बनते। 6 साल में यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की छत्र छाया में यूपी के लिए और माफिया तैयार हो रहे हैं? माफिया ही नहीं तैयार हो रहे, मैं आज आपके चैनल से जिम्मेदार कह रहा हूँ, इन 6 वर्षों में जितना अतीक अहमद को संरक्षण दिया गया, चाहे बलिया की जेल में बैठा के, चाहे बरेली की जेल में बैठा के, चाहे नैनी में, चाहे सूरत में, और इतना बड़ा गैंग ऑपरेट किया उसने, ये योगी जी के संरक्षण में हुआ, और ये इतना बड़ा तो भारतीय जनता पार्टी पसमांदा 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 कर रही थी, उस पसमांदा का सूत्रधार अतीक अहमद था और पसमांदा समाज का ही सबसे बड़ा नेता था,
और उस पसमानदा की जब इनकी कड़ी फेल होती नजर आई, जब उसके केस खुलने लगे, सदन में आ अखिलेश यादव जी बात उठाने लगे, और जब वो जेल की सलाखों पीछे चला गया और जब उसके ऊपर सजा हो गई, भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं बचा पाई और उसने जब राज खोलना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन उसको मरवा दिया, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, फिलहाल समय की कमी होने के कारण जी, ठीक है बिल्कुल, आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी होने के कारण फिलहाल मुझे आप सभी को रोकना पड़ रहा है, लेकिन आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आपको भाजपा के विधायक सहारनपुर से जो की है उनका पहले एक बार और बयान सुनाती हूँ। तो कहीं बैनर लगे और कहीं पोस्टर लगे तो कोई ये मांग उठा रहा है कि अतीक अहमद को शहीद घोषित किया जाए, तो क्या जो बॉर्डर्स पे हमारे जवान तैनात हैं तो फिर वो क्या है, वो देश की सुरक्षा करते हैं और देश की सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर पर खुद को शहीद कर देते हैं, वो देश के लिए अपनी जान लुटा देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ ऐसे समाज है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि माफिया को शहीद का दर्जा दिया जाए, तो वहीं इस मुद्दे पर जो पार्टियां हैं वो अलग अलग बयान दे रही हैं। तो क्या माना जाए कि वाकई में अतीक अशरफ की शहीदी की जो मांग उठा रहे हैं क्या उन लोगों को मूर्ख समझा जाए या क्या समझा जाए, क्योंकि एक शहीद वो होता है जो देश के लिए अपनी जान लुटा देता है और एक शहीद वो होता है जो आज भी भारत की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात होता है। लेकिन हमारे देश के कुछ तबके ऐसे हैं, कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो एक माफिया को शहीद कहने की बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक माफिया को शहीद बनाया जाए। हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।